हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? तो आज मेरे गांव का है तीसरा दिन और गांव में गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। दिल्ली में पंखा रुकता नहीं है और गांव के अंदर पंखा चलता नहीं है। दिना मान में 10 बारी लाइट जाती है, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो सुबह सुबह चाय से ही काम चलाना पड़ेगा जो मैंने अपने हाथों से बनाई है। नाश्ता तो मिलेगा नहीं क्योंकि घर पे मम्मी पापा है नहीं, वो कल ही शादी में चले गए थे। मेरे को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं गया नहीं, तो मैं आज जाऊँगा। और इधर मेरी साली चाय पी रही है, वो भी सोच रही है नाश्ता तो मिलेगा नहीं तो चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। तो फटाफट से चाय पीते हैं क्योंकि 12 बजे शादी के लिए भी निकलना है। तो फटाफट से चाय पीने के बाद मैं निकल गया गांव घूमने के लिए। और ये हमारे गांव की गलियां। तो गांव घूमने में तो मेरे को बड़ी मज़ा आती है। तो किस किस को गांव घूमने में अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करें। और इधर मेरी गाड़ी खड़ी है जो धूप में, तो इसको ले चलते हैं घर के पास। तो गाड़ी मैंने उधर खड़ी कर दी, गांव में बच्चे ऐसे घूमते हैं। तो भाई साहब गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह जो मैंने चाय पी थी उसके बर्तन भी मेरे को धुलने पड़ेंगे क्योंकि घर पे कोई नहीं है और छाया से धुलवा नहीं सकते क्योंकि वो हमारी मेहमान बन के आई है। तो बर्तन धुलने के बाद मैं पहुंच गया मार्केट, वहां से लाया रबड़ क्योंकि बाल बड़े बड़े हैं इसलिए, और बाइक की चाबी का छल्ला। तो फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ, गाड़ी भी चला के मेरे को जानी है और 12 बजे तक वहाँ पे पहुँचना भी है। तो फटाफट से घर में ताला डालते हैं। और छाया बैग लेके पहले से ही बाहर खड़ी हो गई थी। तो ताला डालने के बाद मैं निकल गया, गाड़ी मेरी रास्ते में ही खड़ी थी। और छाया ऐसे देख रही थी कि उसको लगा कि मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रहा था, व्लॉगिंग। 1.5 घंटे बाइक चलाने के बाद फाइनली पहुँच गया, गाड़ी मैंने इधर खड़ी कर दी। और ये मेरी मौसी का घर। तो गांव में अभी भी छपरा होते हैं, शादी का घर तो लग नहीं रहा, लगता है हम ज़्यादा जल्दी आ गए, अभी मेहमान कोई आया नहीं है। इधर खाना बन रहा था, गर्मी में खाना कौन खाता है। और ये छाया, शादी जाने से पहले सोना चांदी का जो हिसाब लगता है वही इधर हो रहा था जो मेरे परे से बाहर है। मेरे को लग रहा था कि मेरी गाड़ी में पंचर है, तो मैंने वहीं फटाफट से चेक किया क्योंकि यहाँ पे आसपास मैकेनिक कहीं भी नहीं मिलेगा तो मेरे को ही बनानी पड़ेगी। तो ये रहा पंचर। तो मेरे को पता था ऐसा कभी भी हो सकता है इसलिए मैं दिल्ली से सामान लेके आया था पंचर का। हवा डालने के लिए पंप भी मिल गया। तो खुल जा सिम सिम बोल के मैंने अपनी डिग्गी खोली और ये रहा गाड़ी का खजाना जो सही कर सकती है। वहीं मैंने अपनी दुकान खोल दी और ये रहा पंचर। पंचर लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक किला चौक दिया, ये रबड़ वाला किला, अंदर डाल दो और एकदम से झटके से खींच लो, बस फाइनली हमारा पंचर लग गया। डन, पंचर सक्सेसफुल। तो यहीं पे मैंने अपनी पंचर की दुकान बंद की, ये काम तो हो गया। और इधर लेडीज़ों में गाना बजाना हो रहा था तो अभी मेहमान तो आने लगे हैं। और इधर मम्मी बर्तन धुल रही थी और ये मेरी मौसी। और यहाँ पे तो ज़्यादातर साधु संत ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली दूल्हा सजने का टाइम हो गया और इसको हमारे यहाँ चौकी बोलते हैं जिस पे खड़े होके दूल्हा सजता है। और ये रहा डीजे। तो घर के अंदर गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी तो मैं बाहर आ गया और इधर ये मेरे पापा खड़े थे। 1 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने गाड़ी ऐसी सजाई, तो कैसी लग रही है। तो चलो चल के देखते हैं कि दूल्हा अभी सज रहा है या नहीं। तो फाइनली अभी दूल्हा तो सज रहा है, कैमरा वाले तो नहीं है लेकिन फ़ोन वाले बहुत हैं। लो ये भी बर्बाद होने जा रहे हैं। तो मैं भी नहा धो के रेडी होता हूँ। इधर छाया पोज मारते हुए और इधर मैं अपना स्टाइल दिखाते हुए। छाया और हम कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डीजे सुन के मन करता बेली डांस करने लगूं, लेकिन औरतों के बीच में एक अकेला मर्द कौन नाचेगा भाई, कहीं बेइज्जती हो जाए। और मेरे को एक टेंशन हो गई है क्योंकि मेरी गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। 1.5 घंटे तक ढूंढी लेकिन नहीं मिली, आसपास मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, दूसरी चाबी दिल्ली में है। मेरा मन उदास हो गया। तो फाइनली मेरी चाबी मिल गई, पापा की जेब में पड़ी थी। ये हमारे यहाँ के रिवाज हैं जो पूरे किए जाते हैं। और इधर कैमरामैन लगे हैं।
अपनी शादी में खुद डांस कर रहा है, वो भी दूल्हा उलर उलर के। इतना बेताब दूल्हा मैंने पहली बार देखा है, दूल्हा कहीं और ही जाके खड़ा हो रहा है। तो फाइनली हम लड़की वाले के इधर आ चुके हैं और ये लड़की वाले का घर। लड़की वाले के यहाँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतनी तो लड़के वाले की तरफ नहीं थी। तो मैं भी कुर्सी खाली देख के मैं भी एक जगह आराम से बैठ गया। तो अभी खाना खाने का नंबर आ गया और इधर सब अपनी ही सेना बैठी हुई है। तो फटाफट से हमने खाना खाया, तो फाइनली हमने खाना खा लिया और हमें वापस भी जाना है क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।